शत्रु हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हो तो आप नहा धोकर हनुमान जी के इस उपाय को कर दें, आपका दुश्मन दुनिया छोड़ देगा। जी हाँ भक्तों, अगर कोई दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर आपसे दुश्मनी कर बैठा हो, आपका जीना दुभर कर दिया हो, तो आप उस दुश्मन के बारे में हनुमान जी को जरूर बताएं। हनुमान जी आपके बातों पर विचार विमर्श करके आपके शत्रु को दुनिया छोड़ने पर विवश कर देंगे। आप अपनी बातों को हनुमान जी के समक्ष किस प्रकार पेश करेंगे, इसकी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें भक्तों, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपाय नहीं है भक्तों। इस उपाय के जरिए आप किसी भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बलवान या धनवान क्यों न हो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है भक्तों, और इस उपाय के प्रयोग अपने शत्रु पर करने से पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। नियम को अच्छी तरह समझ ले भक्तों। उस शत्रु से शत्रुता का कारण आप नहीं होंगे, यानी आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो आपको सता रहा हो। 7 दिन तक आपको मांस मदिरा यानी तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में जागना होगा। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप इन नियमों को पालन करने में सक्षम हैं, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इन नियमों को पालन करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस उपाय को न करें। इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम भक्त हनुमान के लिए असंभव हो। कठिन से कठिन कार्य भी उनका स्मरण करते ही सहज हो उठता है भक्तों। वह एक ऐसे देवता है जो अकेले ही राक्षसों की पूरी लंका को पल भर में जला सकते हैं। यदि प्रसन्न हो जाएं, तो अपने भक्तों को समस्त कष्टों और इस भवसागर से भी पार उतार सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी पर पूरा भरोसा करना होगा कि हनुमान जी जिस प्रकार माता सीता को ढूंढने और रावण जैसे दुश्मन को नाश करने में श्री राम जी का साथ देकर रावण की लंका को जला दिए, उसी प्रकार आपके दुश्मन की लंका भी जल जाए। किसी व्यक्ति से दुश्मनी होने का एक कारण ये भी होता है भक्तों, व्यक्ति के कुंडली में ग्रह चाल की दशा सही नहीं होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शुभ ग्रहों की संख्या अधिक है और उनसे शुभ योग बनते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार सफलताएं पाता है, उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जब ग्रह अशुभ हो तो जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके कारण अशुभ होने पर व्यक्ति को जीवन में बार बार धोखा खाना पड़ता है। किसी से बेवजह दुश्मनी हो जाती है, ये ग्रह कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे धोखा मिले, उसका कोई शत्रु बने, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो खराब होने पर व्यक्ति को हर कदम पर धोखा खाने के लिए विवश कर देते हैं और शत्रुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। ये 2 ग्रह हैं शनि और राहु। ज्योतिष शास्त्रों में शनि और राहु को विशेष ग्रह माना गया है। इनकी विशेषताओं पर विस्तार से बताया गया है। ये दोनों ही ग्रह शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं। कुंडली में मौजूद इनकी स्थिति से ही इनके शुभ या अशुभ होने का पता चलता है। इसके साथ ही जीवन में यदि इस तरह के लक्षण महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं शनि और राहु मिलकर परेशान कर रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ति से अकारण दुश्मनी हो गई है। अगर आपके पास आपका जन्म कुंडली मौजूद है तो किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली में मौजूद ग्रह चाल की जानकारी जरूर लें। अब आइए आपको दुश्मन से छुटकारा पाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। कृपया ध्यान दें, इस उपाय को किसी भी मंगलवार के ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा भक्तों। ब्रह्मा मुहूर्त में पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद नहा धोकर पवित्र होकर पंचमुखी हनुमान जी के फोटो के सामने, जिस ओर आपके शत्रु का घर हो उधर अपना मुख करके बैठकर 7 बूंदी के लड्डू और 7 तुलसी का पत्ता एक पीतल के पात्र में रखकर, थोड़ा सा जल भी किसी जल पात्र में हनुमान जी के समक्ष रखकर हनुमान चालीसा 1 बार, बजरंग बाण 1 बार पढ़कर इस मंत्र का 108 आहुतियों की हवन करें। मंत्र इस प्रकार है भक्तों, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा।
हवन हो जाने के बाद हनुमान जी की आरती करके हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करते समय अपने शत्रु एवं अपने दुखों के बारे में हनुमान जी को बताकर शत्रु से छुटकारा एवं धन धान्य में वृद्धि एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु विनती करके हनुमान जी को लगाए गए भोग को उतारकर एक लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से इस उपाय को मंगलवार से लेकर पूरे 7 दिन तक इस उपाय को करें। इस उपाय के प्रभाव से आपका दुश्मन आपसे दोस्ती करना शुरू कर देगा या फिर उसने ज्यादा पाप किया होगा तो वो दुनिया ही छोड़ देगा। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।